नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। माँ सरस्वती को प्रातःकालीन इस मंगल वेला में कोटिशहम श्री चरणों में नमन करते हुए आइए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रुचिरा पाठ्य पुस्तक द्वितीय के पंचम भाग में प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने 1 से 3 पाठ को पढ़ा। चौथा पाठ आपका जो है हास्य बाल कवि सम्मेलन, उनको हम छोड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पाठ को छोड़ने का कारण ये है कि इस पाठ में 4-5 विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, उन पात्र को समक्ष रख करके पाठ को पढ़ाया जाता है, वाचन करवाया जाता है, तभी बच्चों को उस पाठ को संपूर्ण समझ में आता है। जब भी हम कक्षा कक्षों में मिलेंगे तब बच्चों की उपस्थिति में बच्चों के समक्ष पात्र को बना करके पाठ को पढ़ाया जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आइए आज की ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ते हैं पंचम पाठ को, पाठ 5 को। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। प्राचीन समय में स्त्रियों की महत्ता और उस समय क्या स्थिति थी स्त्रियों की, उस दयनीय स्थिति में पंडिता रमाबाई ने किस प्रकार से उभर कर सामने आए और स्त्रियों के लिए वरदान साबित हुई, ये इस पाठ में बताया गया है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक पाठ में कोई न कोई बहुत बड़ा संदेश है और प्राचीन समय से लगा करके अब तक का जो सफर है वो संक्षिप्त में आपके समक्ष पाठ के जरिए संदेश के माध्यम से शिक्षा के लिए परोसा जा रहा है। तो आइए प्यारे बच्चों, देर किस बात की, 5वें पाठ पंडिता रमाबाई में आज पढ़ते हैं पाठ में आए काठिन्य निवारण को। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हम स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य से लगा करके प्रभाविता जाता तक पढ़ेंगे और इतने गद्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं उनका निवारण किया गया है। सर्वप्रथम उनको पढ़ते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, परित्यज्य यानी छोड़कर, अध्यापक पढ़ाया, प्रताड़ना यानी ताड़ना, असहत यानी सहन किया, दुर्भिक्ष यानी अकार, प्रत्यागच्छत यानी लौट आई। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रारब्ध होती यानी आरंभ किया, सार्धिक वर्षा यानी डेढ़ वर्ष, सार्ध यानी आधा, पूर्व कक्षा में संख्यावाची शब्दों में हमने पढ़ा है सार्धिक वर्षा यानी डेढ़ वर्ष, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, विपन्न यानी निर्धन। प्यारे बच्चों, ये तो थे आपके पाठ में आए कठिन शब्दार्थ। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि हमने जो अपने तकनीकी क्षेत्र के जरिए जो ऑनलाइन क्लासेस आपके घर तक, आपके द्वार तक और आपके स्वयं तक जो परोस रहे हैं, उसमें हमारा ही नहीं, जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र का आविष्कार किया है उनका बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञान के युग में, विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इतना विस्तार होना प्यारे बच्चों भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन कक्षाएं कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, किनके पेरेंट्स जागरूक हैं, हमने थोड़ा फ़ोन करके टटोला गया और कुछ पेरेंट्स यहाँ पर विद्यालय में आते भी हैं तो उनसे हम संपर्क करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आपके घर पे ऑनलाइन क्लास पहुँच रही है या आप अपना जो बच्चा है उसको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहा है इत्यादि आदि आदि बहुत सारी जानकारियाँ हम पेरेंट्स के माध्यम से प्राप्त करते रहते हैं आपकी। इसमें से बड़े ही दुख और खेद के साथ में आज मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें अवगत कराया कि मैडम हमारी विपरीत परिस्थितियाँ थी, परंतु महामारी के चलते अगर ये परिस्थिति आ गई है तो ये न केन प्रकार हमने
घर में अभाव होने लेकर मोबाइल खरीदा बच्चों की ऑनलाइन क्लासों के लिए। हम बच्चों को मोबाइल पढ़ने के लिए देते हैं पर बच्चे जरा भी एक भी क्लास अब तक नहीं पढ़ी है। फिर हमने पूछा कि अगर क्लास नहीं पढ़ी आप मोबाइल खरीद के ले आए, मोबाइल दे भी रहे हो, तो करते क्या है वो बच्चे? तो कि मैडम मानते ही नहीं है, कितनी बार बोला फिर भी मानते नहीं है, वो उनकी वाली जिद करते हैं। अब वो ऑनलाइन क्लास की बजाय वीडियो गेम खेलते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात सुनकर हमें बहुत बड़ा सभी पूरे स्टाफ को लेकर दुख हुआ कि हम किस तरीके से आपके लिए ऑनलाइन क्लास का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्लास बनाने में हमें संपूर्ण कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें तीन कैटेगरी के बच्चे होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सभी वर्गों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास का निर्माण करना पड़ता है। हमें जिस भाषा को पढ़ा रहे हैं उस भाषा को भी बोलना होता है। हम उससे के साथ में जिस भाषा में बच्चा समझता है उस भाषा को भी बोलना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत उनके लिए नई भाषा है, नया सब्जेक्ट है, तो वो संस्कृत को नहीं जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से हिंदी भी नहीं जानते, तो उनके लिए संस्कृत को कठिन समझना बहुत दूर है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें हिंदी भाषा में भी संस्कृत विषय को समझाना पड़ता है, अनुवाद करते हैं और बाकी सारी बातें हिंदी में करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न संस्कृत जानते हैं, न इंग्लिश जानते हैं, न हिंदी को ठीक से जान पाते हैं, तो उनके लिए हम कभी कभी क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग कर लेते हैं। बच्चा क्लास में आ तो गया है पर हमको हमारी जो विषय वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, उसको ठेठ तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य रहता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि एक क्लास को निर्माण करने में, क्लास ठीक आपको घर तक क्लास को पहुंचाने में कितने बड़े बड़े विज्ञापकों ने दिन रात एक मेहनत की, अरे अपने परिवारों का त्याग किया, कितने समय तक भूखे प्यासे बैठे रहे इस तकनीकी आविष्कार के लिए, खोज के लिए। और आज सुखद दिन अपने समक्ष आया है कि महामारी के चलते हम स्कूल बैठे आपके घर तक, आप तक, आप कहीं पे भी हो, आप तक आपकी क्लासें पहुंच रही है। इससे बढ़कर और क्या उपलब्धि हो सकती है प्यारे बच्चों? तो आप विज्ञान का दिया हुआ वरदान है, तकनीकी क्षेत्र का वरदान है, उसको वरदान लेने दें, न कि अभिशाप बनाए। प्यारे बच्चों, आप अपने YouTube चैनल पे सारी क्लासें मौजूद है। अब तक अभी आप एक भी क्लास नहीं पढ़ी है तो संपूर्ण विषय की संपूर्ण जानकारी अब तक हमको जब से चैनल बनाए तब से उस पे मौजूद है। आप 24 घंटा दिन रात मेहनत करके उन क्लासों को पढ़िए, हमारे शाले परिवार की ओर से विनती है। प्यारे बच्चों, ये सब आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही किया जा रहा है और मेरा अभिभावकों से करबद्ध निवेदन है कि आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभावों में रहकर अपने सुखों को त्याग कर उनके लिए सुविधा की है, बहुत ही अच्छी बात है। अपना जीवन जैसे तैसे काट करके आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं और उनके पीछे खर्च करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु ये खर्च आपका किया हुआ पूर्ण तब सफल होगा जब आप इस तकनीक को बच्चों के साथ में जब चला रहे हैं, तो जब तक चलाए तब तक परिवार का कोई भी बड़ा व्यक्ति उस बच्चे के साथ में बैठे, चाहे एक घंटा लगे चाहे दो घंटा लगे, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, जो कुछ भी हैं, वो मोबाइल चलाए तब उसके साथ में बैठे, ताकि प्योरली जो क्लासेस हैं उनको ही पढ़े। इधर उधर मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐप्स हैं, जिनके जरिए बच्चा आपका लीक से कहीं हट नहीं जाए, बिगड़ नहीं जाए। यदि बच्चे ने ऑनलाइन कंटेंट नहीं पढ़ा तो ये अभिशाप साबित होगा, कहीं बच्चा आपका बिखर जाए। तो मेरा अभिभावकों से भी निवेदन है कि आप जब भी मोबाइल दें, आप फुर्सत के समय बिल्कुल फुर्सत निकालें, घर के सारे कामकाज को एक तरफ रखें और बच्चों के साथ में आप मोबाइल को लेकर पढ़ें और बराबर निगरानी रखें कि वास्तव में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। पुस्तक खोल के बैठे तब भी पेरेंट्स साथ में बैठे कि पुस्तक में कोई छुपा के अनर्गल सामग्री तो नहीं पढ़ रहा है। इस प्रकार का बोझ आप निरंतर करते रहेंगे प्यारे अभिभावकों,
सम्मानित अभिभावकों, निश्चित धीरे धीरे शनि शनि आपके अपने जो बच्चे हैं उनकी आदत पड़ जाएगी प्योरली कक्षाओं को पढ़ने की, और उसके मन में आपके प्रति सानिध्य रहेगा, स्नेह रहेगा, थोड़ा सा डर रहना भी जरूरी है, भय रहना भी जरूरी है। और जो पेरेंट्स और बच्चों में जो धीरे 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 तकनीकी क्षेत्र के जरिए कहीं कहीं वरदान के साथ में थोड़ी बहुत दूरियां भी बढ़ी है, तो वो भी नज़दीकियाँ आपकी बढ़ जाएगी और अपने परिवार का स्नेह अपनत्व बच्चों को मिलता रहेगा, बच्चों को आपको आपका अपनत्व मिलेगा और आपको बच्चों का सानिध्य और अपनत्व मिलेगा। इस प्रकार से प्यारे अभिभावक और बच्चों, आप इस ऑनलाइन कक्षाओं को अच्छे से पढ़ेंगे, निश्चित ही आपका जो हमारी मेहनत है आपके सहयोग से पूर्ण तभी कहलाएगी। प्यारे बच्चों, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, हम एक हाथ से ताली बजाना चाहेंगे ताली नहीं बजेगी, आपका हाथ हमारे साथ में मिलना जरूरी है तभी ताली बज पाएगी। तो मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि आज के बाद से आप इस प्रकार से जो मोबाइल के जरिए अनर्गल जो वीडियो गेम है, इधर उधर की जो बातें हैं उनको नहीं करते हुए प्योरली कक्षों का ही पढ़ाई करें और किसी की नहीं। पुनः प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे, पाठ का वाचन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप हमारी सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ेंगे, यही शुभ इच्छाएं शाला परिवार आपके साथ रखता है। प्यारे बच्चों, जाते जाते एक बात और, COVID-19 महामारी अभी तक गई नहीं है और उसके जो नियम है उनका पालन करना जरूरी है। सभी को मालूम है कि आपने नियमों का पालन किया है तभी महामारी कंट्रोल में आई है। चूंकि लॉकडाउन हट गया है, फिर भी महामारी के जो संदेह है आने के वो बने हुए हैं, संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, तो आपको सुरक्षित रहना है, नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करें, 2 गज की दूरी बराबर बनाए रखें, साथ ही साबुन से हाथ बार बार धोए, मुंह और हाथ को स्वच्छ रखें, भीड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाए, अब आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्यारे बच्चों, आपका जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ में आज आज्ञा दें, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद प्यारे।